सो गाइस बेसिकली अपन बात करने वाले हैं OnePlus के अपडेट्स के बारे में। OnePlus ने हाल ही में अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट किया है। ऐसे में दोस्तों आपको इस अपडेट का नोटिफिकेशन मिल गया, तो नोटिफिकेशन से आपने अपडेट कर लिया होगा। बट दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको ये अपडेट मिला है और अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यार वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो में नया है तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं OnePlus के फरवरी महीने के सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि OnePlus ने कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जिनके अंदर ये अपडेट रोल आउट कर दिया है, पर दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है कि इन स्मार्टफोन्स के अंदर आपको फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर OnePlus की 9 सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R T के अंदर आपको फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। बट दोस्तों यहाँ पर OnePlus 8 और OnePlus 8T और OnePlus 8 Pro के अंदर भी आपको फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। अगर दोस्तों आपके पास ये सभी स्मार्टफोन हैं तो डेफिनेटली आपको अगर नोटिफिकेशन मिल गया तो नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट कर लीजिए। नहीं मिला है नोटिफिकेशन तो अपने फोन सेटिंग के अंदर जाइए, वहां पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ये अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं OnePlus 7 सीरीज के बारे में तो OnePlus 7 सीरीज के अंदर भी ऑलरेडी आपको अपडेट मिल चुका है, यानी कि OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro इन चारों स्मार्टफोन के अंदर भी आपको फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करें OnePlus Note सीरीज के बारे में तो OnePlus Note 2 के अंदर और OnePlus Note CE के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिला है। अदरवाइज दोस्तों OnePlus Note सीरीज के जो भी स्मार्टफोन है उन स्मार्टफोन के अंदर अभी तक अपडेट नहीं मिला है, तो बहुत जल्दी OnePlus Note और OnePlus Note CE 2 के अंदर भी आपको डेफिनेटली अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इन सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको ये अपडेट मिल चुका है। और दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है तो डेफिनेटली नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको सिंपल जाना फोन की सेटिंग के अंदर, वहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं। बट दोस्तों अपडेट करने के बाद आपको काफी सारे इश्यूज और काफी सारे बग्स फिक्स हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है, और आपके पास OnePlus का कौन सा स्मार्टफोन है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास OnePlus के ये सारे स्मार्टफोन है तो फरवरी महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही था, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।